हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फिलिप्स एयर प्यूरीफायर सीरीज 3000 का रिव्यू दूंगा। मैंने इसको अमेजोन से ख़रीदा है और पैकिंग बहुत अच्छी थी और ये मुझे 28,000 रुपये का पड़ा। आप देख सकते हैं बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर फीचर्स भी लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर 12 फीचर्स हैं, लाइक PM2.5 लेवल, जो कि आपको एक्चुअल में बताता है कि आपके रूम का 2.5 लेवल कितना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ऑटो मोड है, जिस जो कि अपने आप देख लेता है कि मुझे कितनी स्पीड चाहिए। देन अलर्जन मोड है, एक स्पेशल मोड है जिससे ये अलर्जन्स को निकालता है। जो जो पेशेंट्स को आई थिंक अस्थमा होता है, आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा है। देन अल्ट्रा साइलेंट स्लीप मोड है जिसमें आप रात को इसको चलाकर सो सकते हैं। आपके पास टर्बो मोड है जिसमें बहुत तेज फैन चलता है। फैन की स्पीड्स 5 तरह की है, आप चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट लाइट है, आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब रात को सोना हो तो आप ऑफ करके सो सकते हैं। देन यू हैव अ चाइल्ड लॉक जिससे कि सारे जो बटन्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे और एक्सीडेंटली कोई किसी को टच नहीं कर पाएगा, टच करेगा तो कुछ होगा नहीं। रीसेट बटन है, अलार्म क्लॉक है, देन चाइल्ड लॉक है, सॉरी ये चाइल्ड लॉक है, ये कुछ और था, ये फिल्टर लॉक था सॉरी। एंड देन यू हैव सेंसर टच स्क्रीन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो कुल मिलाकर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से और मैंने ऑलरेडी अनपैक कर दिया और ये लगा हुआ है प्रोडक्ट, जस्ट अभी लगाया मैंने। अगर आप देखेंगे, ये आपका बेसिक पैनल है जो कि इस प्रोडक्ट की जान मैं कह सकता हूँ, और इसमें वो सारी चीज़ें हैं, ऑन ऑफ बटन है, सारे बटन हैं, और ये PM2.5 लेवल है जो कि अभी 83 दिखा रहा है और जो कि ठीक ठाक है। और यहाँ से हवा बाहर आ रही है फिल्टर होकर, और प्रोडक्ट देखने में बहुत ही सुंदर है और मुझे तो बिल्कुल रोबोट की फीलिंग आ रही है, जैसे कोई रोबोट लगा हुआ मेरे घर में। और फिनिशिंग अच्छी है बहुत। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइट पर्पल कलर की आ रही है। ये लाइट जो है 3-4 तरह की है, ये चेंज होती रहती है अगर आपका PM2.5 लेवल अच्छा होता रहता है। फाइनली ग्रीन हो जाती है अगर PM2.5 30 से बिलो होता है, जो कि हेल्दी माना जाता है। और ये स्टैंड दिया हुआ है इन्होंने, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको इसको लेकर जाना है तो यहाँ से पिक करें और ले जाए। ये अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट है पूरा। नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक स्टैंड दिया हुआ है और स्टैंड फ्लैट सरफेस से बहुत अच्छा टिक जाएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा था तो इसमें जो फिल्टर्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है कि आपको संतुष्टि रहती है कि जो प्रोडक्ट आया है उसमें फिल्टर्स जो लगे हैं पुराने नहीं हैं। तो आपको इसको खोलना पड़ेगा फ्रंट पैनल को और इसके सारे फिल्टर्स को अनपैक करना पड़ेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा। ये चीज़ मुश्किल नहीं है, मुझे लग रहा था मुश्किल होगी लेकिन बहुत ईजी थी। मैंने मैनुअल पढ़ी और साथ ही कर दिया। आई थिंक मुझे इसमें 1/2 घंटा लगा। और बाकी आई एम सेटिस्फाइड। 28,000 का है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको ले लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिसर्च किया था, मैंने MI का, बाकी भी कंपनीज का देखा, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा क्योंकि इसमें तीन फिल्टर हैं। प्री फिल्टर जो भी आप प्रोडक्ट लें उसमें जरूर देखें कि प्री फिल्टर होना चाहिए और हैपा बेस्ड फिल्टर जरूर हो। अगर आप इंडिया में हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री में है जहाँ पॉल्यूशन लेवल हाई है, तो हैपा बेस्ड ना हो, हैपा फिल्टर हो और प्री फिल्टर भी होना चाहिए उसमें। इसमें 3 तरह के फिल्टर हैं, मुझे पूरा टेक्निकली पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैंने जब मैंने पढ़ा था तो ये प्रोडक्ट मुझे सबसे सही लगा, पैसा देखकर और अवेलेबिलिटी देखकर और जिस तरह का ये फंक्शंस करता है उसको देखकर। अगर आप देखेंगे 68 हो चुका है PM2.5 लेवल। मैंने अभी 5/5 स्पीड पे चलाया हुआ है फैन और आपको पता नहीं स्पीड में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। जो आवाज़ है मेरे हिसाब से तो नॉर्मल है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना साइलेंस में सोना चाहते हैं। अगर आपको रात को सोना है साइलेंटली तो यू कैन ऑलवेज रिड्यूस, इसको कम कर सकते हैं आप। मैंने जैसे ऑटो मोड में कर दिया है, ऑटो मोड में अपने आप देख लेता है कि जज कर लेता है कि मुझे कौन सी स्पीड में चलाना चाहिए, और 1 से लेकर 5 तक आपकी इसकी स्पीड है जो आप चेंज कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो, और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे प्लीज़ यू कैन आस्क, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।